हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज है उन पे कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर, हम अपने लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं तो उसमें एरर आता है कि नेक्स्ट 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम अपने लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी आप अपने लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं और उसमें आता है कि नेक्स्ट 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, तो उसके बाद भी आप अपने लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो रेगुलर पाने के लिए, तो अपने जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो एकदम 100% सही है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी अपने किसी भी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सकते हो। और जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं इसमें सर्च करता हूँ परिवहन। जैसे ही मैं परिवहन सर्च करता हूँ तो सबसे ऊपर रिजल्ट आता है, होम परिवहन सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्लिक करना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्टेट आपका। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों, पहले क्या होता था, जो पहले टाइमिंग थी ना अपॉइंटमेंट बुक करने की, तो वो 12 बजे के बाद खुलती थी, लेकिन अब इन्होंने जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी अपॉइंटमेंट स्लॉट रिलीज की। अब किस टाइम खुलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये जो है ना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आप लर्नर लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर अदर लाइसेंस जैसे कि रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, इनका करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मैं लर्नर लाइसेंस का करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, लर्नर लाइसेंस टेस्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब मैं ये जो सर्कल है इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये जो तरीका है, आप सुबह 7:50 पे प्रोसीड कर दीजिएगा। सुबह को 7:50 पे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डालिएगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक सिक्योरिटी कोड चला जाएगा। वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आप डालिएगा और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, सुबह 7:55 पे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अब आप देख सकते हो, राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग भी शो हो रही है। तो 7:55 पे यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड डालिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। इस पेज पर आ जाने के बाद आपको प्रोसीड नहीं करना है अभी, आपको प्रोसीड तब करना है जब 7:59:55 हो जाए, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। बहुत से हमारे व्यूअर यहीं पे गलती करते हैं, उनको एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं होती। जैसे जिस बंदे का मैं अभी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ तो इसका 7:59:55 पे एकदम स्टार्ट कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो 46 सेकेंड, 47 सेकेंड, 48 सेकेंड और जैसे ही 55 सेकेंड होगी, 7:59:55 जैसे ही होगी मैं प्रोसीड कर दूंगा। तो मैं प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कैलेंडर ओपन हो जाता है, 7 तारीख का मैं 7 तारीख पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, बुक स्लॉट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरा तरीका था कि इस तरीके से आप अपने किसी भी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट स्लॉट इजीली बुक कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है उनको इजीली ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, और जिन्होंने काट काट के देखी है उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर दी है।
और जिनके ये समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा आप इस वीडियो को। आप में से काफ़ी लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप अच्छा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों इसमें ये जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है सिर्फ 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में ही आपको सब कुछ करना होगा। ये सारा प्रोसेस आपको 5 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर मिस कर दोगे तो फिर आपको नेक्स्ट डे दोबारा से ट्राई करना है। दोस्तों आज की मैं बात करूँ तो मैंने टोटल 5 अपॉइंटमेंट बुक किए थे, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के थे और कुछ लर्नर लाइसेंस थे। मोबाइल का भी मैं आपको बता दूंगा या इसी में मैं डाल दूंगा मोबाइल में मैंने किस तरीके से किया था, या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मैंने मोबाइल में अपॉइंटमेंट स्लॉट किस तरीके से बुक किया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दी है वो एकदम सही है। मैं नहीं चाहता चंद व्यू के लिए मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊँ, मैं आपके साथ झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। जो भी मैंने आपको बताया एकदम सही बताया है। दोस्तों अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज की बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने 162 अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 123 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो इनको देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।